ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਨੇ ਆਡ ਈਵਨ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਸਵੇਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੀ ਕੌਂਸਲਰ ਸ਼ੈਰੀ ਚੱਡਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਖੁਲਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਲਵਾਈਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ। इस मौके दुकानदारा ने सरकार के आदेशों बारे की कहा, तुसी जरा वो भी सुन लो। और लोगों की रोजी रोटी के बल किसी का कोई ध्यान नहीं, बिजली के बिल हो जाए चाहे बच्चों दी फीसां हो जाए, और हर पॉइंट के उत्ते जो सरकार फेल हो रही है, ये सारे लोग दुकानदार अपने शहरी चड्ढा जी को गए हैं और शहरी चड्ढा जी इन्हों की आवाज़ के उत्ते बाहर निकले हैं, और असं भी इन्हों का पूर्ण तौर उत्ते साथ दें। सरकार को एक वधिया ब्योतपत्ति बनानी चाहिए है, असी इन्हों के लॉकडाउन का विरोध ना किया ना कभी करा, लेकिन असी जोड़े जेड़े इन्हों के लॉकडाउन तो बाद बेतरतीबे नतीजे आते हैं, असं नतीजे का विरोध करते हैं। जे करना तो सही तरीके 15 दिन वास्ते लगातार कर दो, असी उसका पूर्ण समर्थन करांगे, लेकिन ये जो तमाशा किया हुआ है तमाशा किसी भी रूप के सही नहीं है, और ना ही आम जनता जी इस हुण बर्दाश्त करेगी। देखो सुते पे नू घर कोई कुछ नहीं दिंदा, आराम नाल असी भी बैठ सकते हैं, कोई किसी सानू बात नहीं पूछना है। ये साडा खुलाण दा जिहड़ा है एक विरोध करन दा एक तरीका है कि सरकार इस चीज़ नू समझ लवे कि आम जनता बहुत ज्यादा इन्हां दे फैसलों तो त्रस्त हो जाएगी। कांग्रेस दे कौंसलर वल्लों दुकानां खुलवाए जाण दी जिथे बाकी दुकानदारां च चर्चा हो रही है, उत्थे ही लोग यह भी कह रहे हैं कि हुण जलंधर पुलिस कैप्टन दी ही पार्टी दे कौंसलर खिलाफ कार्रवाई करेगी जां नहीं। जलंधर तो परमजीत पम्मा दे नाल ब्यूरो रिपोर्ट वर्ल्ड पंजाबी टीवी।